वृश्चिक राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि 13 अप्रैल 2020 का राशि फल। तो जय सिया राम दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 13 अप्रैल का दिन कैसा बीतने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 13 अप्रैल के पंचांग के बारे में। आज तिथि है षष्ठी, नक्षत्र है मूल, पक्ष है कृष्ण पक्ष और दिन है सोमवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 5:57 में, सूर्यास्त है 6:46 में, ऋतु है वसंत। आज का दिन काल है 12 घंटे 48 मिनट 43 सेकेंड का। महीना है वैसाख। आज आपके लिए शुभ समय है 11:56 से 12:47 तक। अशुभ काल शुरू होता है 12:47 से 1:38 तक। दोबारा में अशुभ काल शुरू होता है 3:21 से 4:12 तक और राहु काल शुरू होता है 7:33 से 9:09 तक। दिशाशूल है पूरब दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब बात करेंगे आपके आज के दिन के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और अनोखा टोटका है, तो आप उसे भी देखें और फॉलो करें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस वीडियो के नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लें और इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनते रहें। तो सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज के दिन आप ख्याली पुलाव पकाने में अपना समय, अपना वक्त बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। सार्थक कामों के लिए अपने ऊर्जा को आप बचा कर रखें ताकि आगे आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे और आपकी बॉडी में ऊर्जा की कहीं कोई कमी ना रहे। आज के दिन की शुरुआत अगर आप ध्यान से करते हैं, अगर आप योगा से करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आज के दिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार देते हो तो पैसे उधार देने में आप सावधानी बरतें, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा और आपको समस्याओं का सामना भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका पारिवारिक जीवन। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपका समय सामान्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे रहने वाला है। आज के दिन अपने घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के साथ अपने संबंध को आप खराब न करें, अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंध को बेहतर करने का प्रयास करें। आज के दिन अगर अपने घर परिवार में आप कुछ बदलाव करते हो तो बदलाव करने से पहले अपने घर वालों से आप बात करें और घर वालों के सहमति के बाद ही आप घर परिवार के वातावरण को बदलने का प्रयास करें, अन्यथा आपका पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध है। दोस्तों, आज के दिन अपने प्रेम संबंध को आप बेहतर करने का प्रयास करें, लेकिन अपने रोमांटिक ख्यालों को आप हर किसी इंसान को बताने से बचने का प्रयास करें। अपने मन की भावना को आप मन में ही रखें, किसी भी इंसान से आप शेयर करने से बचने का प्रयास करें, इससे आपका प्रेम संबंध बेहतर होगा। इसके बाद है आपका कामकाज। तो कामकाज के लिहाज से आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आज के दिन अगर अपने कामकाज में आप कुछ नया करना चाहते हो, अपने कामकाज में आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, तो बदलाव करने के लिहाज से आपका समय आपका साथ अवश्य देगा। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और मैरून। भाग्यशाली अंक है आपके लिए 5,
यानी कि 5। और अब बात करते हैं आपके आज के दिन के उपाय के बारे में। दोस्तों उपाय ये है कि आज के दिन आप भगवान सूर्य की पूजा करें। सूर्य उदय के वक्त आप भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ दें, आपका समय शानदार हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।